हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसे कि कल हम अपना चैप्टर कर रहे थे द मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9। ओके, तो जैसे कल हमने पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। देखा आपने, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर क्या है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी। तो आप देखिए, जो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स कौन से? डेमोक्राइटस ग्रीक फिलोसफर से उन्होंने कहा कि जो ये स्मॉल पार्टिकल है, व्हाट इज दिस? दैट इज एटम। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या है? एटम है, मीन छोटा सा पार्टिकल। जो ये एटम है, उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जैसे कि पहले आपने पढ़ा था मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, तो जो ग्रीक फिलोसफर्स थे डेमोक्रेटिस, उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मैटर हैज पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट इन नेचर का मतलब होता है कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, मैटर हैज पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, अब इनको स्मॉल पार्टिकल कैसे हम समझेंगे? इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। देखिए, हम कुछ एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर वन यहां लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यहां आपने लिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहां पे लिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप देखिए कि यहां पर हम एक बीकर लेते हैं। आपने बीकर ए लिया, बीकर बी लिया, बीकर सी लिया। देखिए, इन तीनों बीकर्स में आप क्या फिल कर देते हैं? स्मॉल अमाउंट में वाटर को फिल कर देते हैं। ये क्या है? वाटर। यहां भी क्या है? वाटर। यहां भी क्या है? वाटर। तो फर्स्ट केस में आप देखिए, जो बीकर ए है, इसमें आपने क्या किया? कुछ शुगर पार्टिकल्स को डाल दिया। ओके, और उसको स्टर किया, मींस उसको मिक्स कर दिया। सेकेंड बीकर में आपने क्या किया? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को इसके अंदर डाल दिया। बीकर सी में आपने क्या किया कि कुछ कलर, मींस मान लीजिए आपने ब्लू कलर की इंक डाली, ब्लू कलर डाल दिया इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में। क्या नोटिस किया आपने? आपने विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड इस बीकर के अंदर वाटर डाला था, शुगर इसके अंदर मिक्स की। आफ्टर सम टाइम स्टर करने के बाद क्या हुआ? इस शुगर इसके अंदर मिक्स हो गई, मतलब अब शुगर इसके अंदर नहीं दिख रही है आपको। ओके, सेकंड केस में आपने नोटिस किया कि वाटर के अंदर आपने KMnO4 की क्रिस्टल डाल दिए। कुछ घंटों के बाद क्या हुआ? तो KMnO4 है, उसकी वजह से इस वाटर का कलर पर्पल हो गया। आफ्टर सम टाइम आप देखिए, जो बीकर सी है उसमें क्या चीज नोटिस किया आपने? आपने नोटिस किया जो बीकर सी है उसके अंदर ब्लू कलर डालने से कुछ समय के बाद ये लाइट ब्लू कलर का हो गया। अब इन चीजों से आप क्या समझते हैं? ओके, कंक्लूजन देखते हैं बाद में। अब एक एक्सपेरिमेंट और लेते हैं। आप एक अगरबत्ती लेते हैं। आपने अगरबत्ती को
अनुभक्ति को जलाया। अब क्या नोटिस किया, आपने अपने पूजा रूम के अंदर अगरबत्ती को जलाया और आप अपने ड्राइंग रूम में चले गए, तो आपने देखा जो इस अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है वो आपके ड्राइंग रूम तक आ रही है। ओके, ये तो आपने दो एक्सपेरिमेंट किए। अब इन एक्सपेरिमेंट से नोटिस क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, कैसे पता चला कि मैटर हैज ए पार्टिकुलेट इन नेचर, मींस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, कैसे पता चला? तो देखिए, आपने देखा फर्स्ट ए, जो बीकर ए है, इसके अंदर पानी डाला, इसके अंदर शुगर पार्टिकल मिक्स किए, वो शुगर पार्टिकल गए तो गए कहां? देखिए बेटा, जो शुगर के पार्टिकल्स थे पानी के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो गए, मींस छोटे छोटे जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो गैप है उसके अंदर समा गए। यहाँ KMnO4 कुछ घंटों के बाद ये भी उस गैप के अंदर मिक्स हो गया। यहाँ पर ब्लू कलर, जो ब्लू कलर की इंक आपने यहाँ डाली थी वो भी इसके अंदर मिक्स हो गई। ओके, मींस वाटर हैविंग स्पेस। ओके, तो पानी के अंदर कुछ गैप था, वो सारी चीजें उस गैप के अंदर चलेंगी। तो आपने देखा है जब भी आप पानी के अंदर शुगर पार्टिकल डालते हैं तो पानी कुछ गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, उसका मतलब यही है कि जो शुगर पार्टिकल है पानी के अंदर चले गए, मींस पानी के अंदर जो गैप है, जो स्पेस है, उसके अंदर उन्होंने अपनी जगह बना ली। ओके, अब ये देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि जो आपकी अगरबत्ती आपने पूजा रूम में जलाई थी उसकी फ्रेग्रेंस आपके ड्राइंग रूम तक चलेगी। मींस कैसे, जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स थे अगरबत्ती के, ओके, अगरबत्ती से जो फ्रेग्रेंस निकल रही थी वो एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या हुई, इंटरमिक्स हो गई। क्लियर, जिससे पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मींस अगरबत्ती के छोटे छोटे पार्टिकल एयर के छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। ओके, जैसे कि इसमें था शुगर पार्टिकल के छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर मिक्स हो गए और एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ही KMnO4 के छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर इंटरमिक्स हो गए। यहाँ भी ब्लू कलर के छोटे छोटे पार्टिकल, जो ब्लू कलर की इंक आपने डाली थी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर इंटरमिक्स हो गए। फ्रेग्रेंस, जो उनके वेपर्स निकल रहे थे अगरबत्ती के अंदर से, जो वेपर्स निकल रहे थे वहां पर, वो एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा था उसके छोटे छोटे पार्टिकल एयर के अंदर इंटरमिक्स हो गए, तभी तो आप तक वो पहुंचे और आपने उसको सेंस किया। तो सारी चीजों में आपसे क्या पता चल रहा है कि शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इसी से पता चला मैटर हैज अ पार्टिकुलेट इन नेचर, और यहां एक नई टर्म और निकल के आ रही है कि ये सारी चीजें इंटरमिक्स हो रही है। जैसे कि अगरबत्ती का एग्जांपल आपने लिया कि जो अगरबत्ती आप यहां बैठे हो पूजा रूम में और ड्राइंग रूम तक वो फ्रेग्रेंस जाएगी। ओके, और एक चीज और नई बात है, तो देखिए कई बार आप जब स्कूल से घर आते हो तो मेन गेट पे ही आपको पता लग जाता है कि मम्मी क्या बना रहे हैं, मम्मी राइस बना रहे हैं, या पड़ोसियों के घर क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है, क्या बन रहा है, सब पता लग जाता है आपको। ओके, तो ये चीज है कि मैटर हैज पार्टिकुलेट इन नेचर, और जो इंटरमिक्सिंग है ये, और इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है डिफ्यूजन, नहीं करना बेटा, डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल। अब जो आपके गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस पार्टिकल, देखिए आपका जो गरम खाना होता है, गरम खाना आप जल्दी से पता लगा लेते हो कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, पर ठंडे खाने के लिए आप उसको उसके क्लोज जाते हो। ओके, ठंडे खाने का पता लगाने के लिए सही है खराब, तो आप उसको चेक करने के लिए उसके नजदीक जाते हो। ओके, गर्म खाना आप फटाक से पता लगा लेते हो ये कैसा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट, ओके, डिफ्यूजन इन लिक्विड वेरी स्लो, डिफ्यूजन इन सॉलिड नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि एक लोक हम लगाते हैं, काफी महीनों बाद उसको खोलते हैं तो काफी देर बाद उसमें जंग लग जाता है। ओके, जंग लगने मतलब क्या है, उसके जो सॉलिड पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं,
तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। जैसे कि एक बाहर आपके घर के बाहर एक ईंट पड़ी है, ब्रिक पड़ी है, ओके, आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो क्या होता है, बारिश भी आती है, तो देखिए आप वो एक टाइट हो जाती है। आफ्टर सम टाइम जब आप उसको कुछ फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो चीज थोड़ा देर के बाद आसानी से उठ जाती है, बट फोर्स लगता है, आसानी से नहीं उठ पाती बट फोर्स लगता है उसे, क्लियर। तो वो क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड, ओके। उसके अंदर क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन गैसेस मोर, डिफ्यूजन इन लिक्विड लेसर देन गैसेस, एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड लिस्ट, ओके। आशा करता हूं आपको समझ में आया। थैंक यू।